गांधी को क्यों बनना चाहिए? काम कर रहा है, वो दिख नहीं रही है आंखों से। कैसे काम कर रहे हैं? राजस्थान देख लो आप, पंजाब वहाँ देख लो, राजस्थान देख लो, और वो जो मध्य प्रदेश देख लो, वो जो कह रहा है वो कर रहा है। मोदी जी ने तो बहुत से वादे करे, करा तो एक भी नहीं। 15 लाख आएंगे आपके खाते में, याद रखिए, अगर मोदी जी कब आएंगे? अभी तक तो आए नहीं। 15 हजार की लालच में नहीं है हम, हमें ना चाहिए, हमारा देश सही से चल जाए वो चाहिए हमें। तो मोदी जी देश सही से चला तो रहे, कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, बस हमें तो ये लग रहा है कि उन्हीं का हो रहा है विकास। जनता तो सुतरी भूखमरी में मर रही है। महिलाओं को क्या समस्याएं हैं ये बताइए आप। महिलाओं को समस्याएं समस्याएं हैं, बेचारियों की घर गृहस्थी की ऐसी की तैसी हो गई। सिलेंडर सस्ता हुआ है ना, 200 रुपए सस्ते कर दिए सिलेंडर, 500 का दे रही है कांग्रेस, ये 200 दे के मिठाई खिला रहे हैं। आपने देखा होगा स्मृति ईरानी ने जब कभी बीजेपी कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने ड्रामा किया था, उन्होंने प्रदर्शन किया था, आज क्यों नहीं वो कुछ बोल रही है? अब क्यों बोलेगी? अब इतनी बड़ी सीट पे बैठी ना है वो मोदी की बगल में, अब क्यों बोलेगी? नहीं तो गलत है ना, महिला होने के नाते उन्हें बोलना चाहिए। तो अब नहीं बोलेगी ना, उसको तो जो चाहिए था वो मिल गया। क्या चाहिए था उन्हें? उसे जो कुर्सी चाहिए थी उनने नंगा नाच 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 के ले ली, अब उसे मिल चुकी, अब वो क्यों नाचेगी सड़कों पे? तो आपको लगता है ये कुर्सी के लिए किया था स्मृति ईरानी? और क्या, पर वो कह रही है राहुल गांधी मुझे फ्लाइंग किस दे रहे थे। हाँ, वो ही रह गई है देने के लिए। उसके पीछे राहुल गांधी की इतनी इतनी, अगर 16 साल की लड़की को इशारा कर देना तो वो उसके साथ में हो जाएगी। स्मृति ईरानी बोलो, उसकी लाइफ कट गई ऐसी बर्बादी में, अब करेगी वो? मतलब राहुल गांधी के लिए लड़कियों की कमी है, वो चाहे अपने ननिहाल से इटली की ले आया, उसके लिए कोई कमी थोड़ी है। तो आपको लगता है कि झूठा इल्जाम लगाया? और क्या, झूठा देख लो केजरीवाल के परी देख लो, मनीष सिसोदिया को अंदर, सब अंदर सब अंदर सब अंदर, अबे जो जो सही काम कर रहा है वही अंदर। तो मोदी सरकार थोड़ी अंदर करवा रही, ईडी का छापा पड़ा है अपने कर्मों से अंदर। इनके बाप ने खरीद रखी ईडी पीडी, सब तो खरीद लिए है। ईडी है किसके पास? ईडी तो है जिसकी सरकार के पास है ना, तो केंद्रीय तो करा रही है। मुझे ये तो बताओ ईडी किसके पास है? ईडी मतलब आपको लगता है कि ईडी और बीजेपी सरकार मिली हुई है? मिली हुई है जी, बिल्कुल मिली हुई है, सब जगह मिली हुई है, बिना इनके इशारों के कुछ नहीं हो रहा, साफ सी बात है। ईडी मिली हुई है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये सब सरकारों के लिए हो रहा है। उनका नाम हो, जो सरकारें अच्छा कर रही हैं वो बदनाम हो रही हैं। जब बदनाम होंगी तो जनता ये सोचेगी हमने इनको वोट दे के गलती कर दी, जबकि वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता को बहकाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि जनता बहके और वोट 2024 में फिर बीजेपी की झोली में डाल दे और फिर से डंके पीटे, फिर बर्बादी की तरफ। 2024 में किसकी सरकार लाएंगी आप? ना हम तो चाहेंगे कांग्रेस आ जाए भैया आपके। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कांग्रेस, राहुल गांधी सबसे बढ़िया। मैं ना राहुल गांधी को बना दो, हम तो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं भाई। देखो प्रधानमंत्री की सीट पे राहुल ही आना चाहिए, पक्का बताऊंगा, देश का भला चाहते हैं आने वाली जनता। लेकिन मेरी बात सुनिए, इंडिया गठबंधन किया है कांग्रेस ने, उसमें और भी बड़े बड़े चेहरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और भी लोग हैं, तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अरे भाई देखो, हमारे दिमाग में तो राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक अच्छा और बढ़िया प्रधानमंत्री साबित होगा, इसलिए खानदानी आदमी है भाई, वो ये थोड़ी सड़क पे से उठ के आया है, वो तो खानदानी इंसान। तो मोदी जी भी तो खानदानी है, उनकी माँ का अभी देहांत हुआ है, अपनी माँ के हाथ से खाना खाते थे। हमें तो देखते देखते प्रधानमंत्री बन गए, कहाँ से खानदानी है, रेलवे से चाय देखते देखते प्रधानमंत्री बन गए, खानदानी तो राहुल गांधी है। खानदान चाय और पकोड़े बेचो, बताओ हम खानदान में कभी हमने बेचा नहीं, ना चाय बेची ना पकोड़े। क्या समस्या है चाय पकोड़े बेचने में? क्यों नहीं है? मतलब पढ़ लिख के बच्चे जाके चाय पकोड़े, तो फिर स्कूल बंद करा दो, कॉलेज बंद करा दो, चाय पकोड़े ही बेच लेंगे।